शासन के निर्देश पर साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर जनपद में मांस की दुकानें बंद रहीं। आपको बता दें कि शासन ने शुक्रवार को 25 नवंबर को साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर मांस रहित दिवस घोषित किया था। इससे पहले प्रदेश में महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि पर्व पर मांस की दुकानें बंद होती हैं, लेकिन 25 नवंबर को भी अब सभी प्रदेश की मांस की दुकानें बंद रहेंगी, जिसका जनपद के मांस कारोबारियों ने पालन किया और सभी दुकानें बंद नजर आई। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मांस विक्रेता संग्राम सिंह ने कहा कि शासन के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं और 27 सालों से हम मांस कारोबार कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा छोटे मांस विक्रेता परेशान होंगे, क्योंकि उनको डेली बेचकर परिवार चलाना पड़ता है। हम लोग पहले भी पालन करते थे, अब भी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मांस विक्रेता दुकानदार संग्राम सिंह जुबेर अहमद ने कहा, मांस वही जो शासन से जो आदेश आया है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, कोई उसको कोई विरोध नहीं हम लोगों का है। कितने सालों से आप दुकान में हैं? हमारी दुकान हुए हो गया 27 साल, 27 ईयर। अच्छा, आज का बंदी से इससे कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों को? अब लोगों पर जो जैसे छोटे दुकानदार जो होते हैं उन लोगों के रोजी रोटी खाने की दिक्कतें हो जाएंगी उन लोगों के लिए, जो बड़े हैं उनकी बात अलग, लेकिन छोटे जो दुकानदार जो फुटपाथ वाले लोगों को दिक्कतें काफ़ी हो जाती हैं, जिसका जो डेली का जो डेली वर्कर है, जिसका डेली की जो दिहाड़ी वाले हैं उन लोगों को खाने की दिक्कतें हो जाती हैं। इस बंदिश होगा क्या नाम है? संग्राम सिंह। सिंधी समाज का कोई बंदी के वजह से शासन की तरफ से आदेश है कि आज मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी, इसलिए सारी दुकानें बंद हैं। अब शासन की तरफ से आया उसका स्वागत है, हम लोग बंद करके अब नुकसान तो साल में एक आध मरता होगा तो उसका कोई वोट हो जाना चाहेंगे नहीं उसका क्या शासन का जी जुनेद अहमद।